नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 18 जनवरी 2024 दुर्गा अष्टमी गुरुवार को पड़ रही है और इस दुर्गा अष्टमी की रात चुपचाप फेंक दे। यहां पर एक लॉन्ग जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं, यदि आप करते हैं तो न सिर्फ आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही है। आपको आज हम उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका उपयोग करके न सिर्फ आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं तो वह आपको ऐसे सिर्फ उपाय बताते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु यदि हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्या सिर्फ एक लौंग से समाप्त हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का उपाय ज़रूर ही होता है, परंतु आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि उपाय न किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग ना जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के उपाय का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बताया गया कि पूजा में लौंग का उपाय किया जाए तो पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में उत्तम स्थान पर रखा गया है। तो टोना टोटका ये जो होता है इसमें भी लौंग का उपयोग किया होता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। उपायों को करके न सिर्फ आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि लौंग का सरल सा उपाय करने पश्चात आपके आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का उपाय आज से नहीं बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि माँ लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जैसा। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि माँ लक्ष्मी पूजा यदि लौंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आपको करनी लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा आपके जीवन। आप कैसे भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी जॉब नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी से बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का उपाय करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप चाहते थे तो आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को खरीदना चाहते थे वह संपत्ति आपकी हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको महालक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी, महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों
पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखिए। अब जितने भी हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है इस चीज लॉन्ग समझ लीजिएगा ताकि उपाय करें, अब तो उसका लाभ आपको जरूर ही मिले। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लॉन्ग के, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है ये बात लॉन्ग जरा समझ लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए तो धन आए, बोर्ड के भी और के भी, और उसमें वृद्ध भी हो, तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 गुरुवार करना है। 5 गुरुवार आपको महालक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहां आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है कि ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, उसको आधा नमक से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी का दिन होता है, आपको गुरुवार की शाम को मां लक्ष्मी जी के सामने बैठना है। जो आपके घर में जहां पर मां लक्ष्मी जी की फोटो लगी हुई है वहां आपको बैठना है। सूर्यास्त के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात बैठी, एक पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े आपके ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, वह इस तरह से है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों इस बीज मंत्र का जाप कम से 1000 एक बाहर कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, किसी डिब्बे लौंग डाल देनी है, 2 लौंग डालने के, इसको लाल कपड़े में बांध लेना है, और अपनी तिजोरी में, कल बीमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले गुरुवार को फिर से उस डिब्बे को निकालकर लाइए, 2 लौंग मंत्र पढ़ने के पश्चात डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के पश्चात उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे, और इस डिब्बी को अपनी बीमारी में तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां आप लौंग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी, और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको महालक्ष्मी जी का वरदान। तो दोस्तों दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की उपाय। यदि घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए, कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप लौंग 5-3 कपूर और 2 इलायची चला सके। आपको ये उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात आपको 5-3 कपूर और 2 इलायची जलाना है, और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच, इन तीनों चीज की, इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए, और आप लोग 1 हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर के झाड़ू लगाइए, इससे थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए, और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि ये आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई, उन्नति रुक गई। दोस्तों वहां आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी, और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर बार आपका ठप पड़ गया, और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो ये महा उपाय कीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए
मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है। 11 लौंग और 5 गोमती चक्र, बहुत से सुनिएगा, 2 11 लौंग और 5 गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र, किसी भी आपको पूजा मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का उपाय कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के पश्चात हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पुत्री को जी के दाएं चरण से छुआ कर कि आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से पैसे लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है, फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के पश्चात आपके जीवन में जो लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। ये उपाय करने के पश्चात आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह होता है, उस व्यक्ति का मान, चलिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों से खींचा चला आता है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। ये हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वो मां लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं मां के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या है, देखिए के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के पश्चात उस तरफ, एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ एक लौंग बाहर देनी है। सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ एक लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस। आप ये उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार ये यदि लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र है ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह हो जाएगा और महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।